तिवारी आज हमारी कानूनी जंग की टीम पहुंच चुकी है मोतिहारी जिले के रामगढ़वा प्रखंड में। आइए यहाँ के भावी प्रत्याशी मुखिया के हैं, जानते हैं इनसे परिचय इनका। अस्सलाम वालेकुम सर, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद इरशाद आलम और मैं 2006 से 2011 तक मैं मुखिया नहीं था, मेरी पत्नी मुखिया थी, लेकिन मेरे द्वारा और मेरी पत्नी के द्वारा जो विकास कराया गया है आज तक वही तकरार महदूद रह गया, बाकी आगे कोई। जैसे कि मैंने आपके पंचायत में आया 2006 में भी मैं आई हूँ, 2006 से 11 में भी देखी उस पंचायत की स्थिति, उस टाइम ठीक थी। अभी जो पंचायत में आ रही हूँ ना ही नली गली सही है और ना ही रास्ता सही है, आखिर क्यों ऐसा, क्या परिस्थिति है, क्या कार्यकाल नहीं हुआ है यहाँ पे? मुखिया उस लायक नहीं हुआ तो इसीलिए नहीं होगा, मुखिया अगर अच्छा रहेगा तो अच्छा काम होगा और नहीं तो जो लूटने वाला रहेगा तो लूटिए करेगा काम कहाँ से। अच्छा, मतलब यहाँ कोई भी काम नहीं कराया गया, जो भी चीज किया गया वो लूटपाट हुआ है। तो इस बार जनता क्या चाहती है और क्या जनता का मांग है? जनता तो बदलाव चाहती है, बार बार आप चारों गांव में जाके पूछिए तो यही लोग कहेगा कि उनसे अच्छा, उनसे विकासशील कोई आदमी नहीं है इस पंचायत में। लेकिन क्या वजह है कि वोट हमको नहीं मिलता है? लोग, अब जमाना बदल गया है, लोग पैसा और दारू और मीट पे बदल रहे हैं। आज भी चल रहा है? अभी तो अभी बंद है, कुछ दिन पहले तो चल ही रहा था, जब से कड़ाई हो गया तो फिर रुक गया है। बीच में दारू चला तो खूब चला है और दारू और पैसे पर लोगों को खर्चा जा रहा है एकदम। एक आदमी प्रत्याशी का 14-14 मोटरसाइकिल और चार चक्का चल रहा है, कहाँ से आएगा? कोई अगर इतना खर्चा करता है तो उसको मेकअप करने के लिए तो लूटना ही पड़ेगा। अगर हम अपना संपत्ति बेच के अगर हम लड़ाई लड़ते हैं तो क्या किस उम्मीद पे? इसी उम्मीद पे नहीं लूटेंगे? नहीं तो अगर हम तो बार बार लोगों से कहते हैं कि जितने कैंडिडेट हैं सभी लोग नॉमिनेशन दे के आया, हम कहे कि सब लोग बैठ जाए, यहीं के सब लोग हैं, समूह के बारे में सब लोग जानता है और जनता चुन देगी खुद। हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है किसी को दरवाजा पे जाने का, किसी को जाके पैर गोड़ा हाथ जोड़ने का, सीधे हम लोग। जैसे कि आप अपने पंचायत में क्या करना चाहते हैं मुखिया बनने के बाद? हमारे टाइम में हम नवसुजित विद्यालय खुलवाया थे पीरपाती चौक पे, जमीन खाली करवाया हम गरीबों से, जमीन को खाली करवा के उस पर स्कूल बनवाया हम नवसुजित विद्यालय, उसमें बहाली भी किया हम। उसके बाद में वहाँ उसको टैग कर दिया गया सिंहासनी पंचायत के, मैंने पीरपाती गाँव तो उस वहाँ से जो गरीबों को हम उजाड़ के जो मेवा जमीन था उस पर जो स्कूल बनवाए थे अब उसको अतिक्रमण कर लिया गया और उस पर पक्का मकान बना लिया गया, उसी को हम फिर जीतेंगे तो उसको खाली कराएंगे और उसको खाली करा के फिर उस पर स्कूल ले आएंगे ताकि लोगों को 3 किलोमीटर जाना नहीं पड़े, जिससे बच्चों को दूर जाना नहीं पड़े और उसे शिक्षा मिले। आप इस कार्य को पहले सफल करना चाहते हैं? और दूसरा ये है कि फुलवरिया गाँव में स्कूल का अहाता को अतिक्रमण करके और उसका पानी जो रोक दिया गया तो वो पानी मैंने ठेहुन भर से जांग भर था स्कूल के में पानी बरसाते हैं। स्कूल में बच्चों की पढ़ाई की जगह पानी लग जाती है, बच्चे पढ़ाई के लिए तड़पते हैं लेकिन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, उसको पानी जिस चीज का आप सुधार करना चाहते हैं? इसको सुधार करना चाहते हैं, उसको चाहते हैं कि उसका पानी का निकासी वाला बना दें और उससे अपना स्कूल भी सुचारू रूप से चले और लोगों को सुविधा भी हो जाए। अपने जनता से आप क्या कहना चाहेंगे? जनता से यही कहते हैं कि वो लोग हमको हमारा काम देखे हुआ है और फिर हमको एक बार चुन दे, उसके बाद में फिर हम विकास गंगा बहा देंगे यहाँ। धन्यवाद, मैं पूजा तिवारी, आप देखते रहिए कानूनी जंग न्यूज।